भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ देवी ने कठोर तपस्या करी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें स्वीकारा और उनके शरीर को गंगा जल से धोया। तब से महादेवी महागौरी कहलाई। दुर्गा का नवम रूप श्री सिद्धिदात्री है। यह सब प्रकार की सिद्धियों की दाता है, इसीलिए सिद्धिदात्री कहलाती है। नवरात्रि के नवम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। मार्कंडेय पुराण में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व एवं वशित्व 8 सिद्धियां बतलाई गई हैं। भगवती सिद्धिदात्री उपरोक्त संपूर्ण सिद्धियों अपने उपासक को प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भक्त व्रत पूरा करते हैं। भक्त अपने सामर्थ्य के मुताबिक भोग लगाकर दक्षिणा देते हैं। इससे माता प्रसन्न होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।